जहां एक ओर कोरोना महामारी ने शहर में और देश में तांडव मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर राहत की खबर यह है कि शहर के समाज सेवी और अन्य संस्थाएं, हॉस्पिटल कोरोना मरीज इलाज के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर के स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। मरीजों की सुविधाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए हुए हैं, साथ ही संक्रमित के परिजन भी अपने मरीजों का इलाज होते हुए देख सकते हैं। जहां आपको बता दें, शहर में हॉस्पिटलों की मनमानी के बाद प्रशासन और लोगों के द्वारा यह मांग उठा रही थी कि कोविड-19 इलाज का लाइव देखना होना चाहिए, जिसको अभी मरीजों के परिजनों की मांग को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखा जा सके। वहीं डॉक्टर अमित खरे ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं प्रशासन लगातार सहयोग कर रहा है और आपूर्ति हो रही है। अभी लगभग पिछले महीने से तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत थी जबलपुर में, कुछ प्लांट अपने बंद पड़े थे, कुछ लिक्विड रॉ मटेरियल कम आ रहा था, लेकिन अभी पिछले हफ्ते से देखा मैंने, जब से माननीय कलेक्टर साहब थोड़ा और ज्यादा पहल की एक्टिव हुए हैं, तो मुझे लगता है सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिल रही है। और मुझे तो लगभग 40 से 50 सिलेंडर की आवश्यकता रहती है, जो मेरी 3 खुद की गाड़ियाँ मेरी लगी हुई है रेशाई में, तो लगभग मुझे पर्याप्त ऑप्शन नहीं पड़ता। पिछले 3-4 दिन से भी हम देख रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा जो मारामारी बिस्तरों बेड की बची हुई थी, और लेकिन अब जब से प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध बहुत जल्दी टाइम से उपलब्ध कराए हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा आ रहा है और लगभग 85% पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं। बस यही है प्रशासन का कि बस ऑक्सीजन की सप्लाई, क्योंकि ये तो पूरा जो बीमारी कोविड-19 पर निर्भर, ऑक्सीजन पर निर्भर है बीमारी, थोड़ा वेंटिलेटर और व्यवस्था बढ़ जाए अगर शहर में, थोड़ा सा विक्टोरिया मेडिकल कॉलेज और ये जो शिक्षागर जो बड़े बड़े संस्थान हैं अपने, इनमें अगर वेंटिलेटर की व्यवस्था हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो 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 ये बीमारी है और जो पेशेंट जो सीरियस होकर आ रहे हैं, ये ठीक होकर ही जाएंगे। कोविड के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि डरना बहुत है, लोग डर नहीं रहे कोविड के प्रति। अस्पतालों में आके देखें आप, जब आप लोगों को मालूम चलेगा कि कोविड क्या है, ये कि मास्क लगा कर रहें, 2-3 दिन मास्क का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें, बिल्कुल जरूरी से जरूरी सामान के लिए ही निकलना है। और आपको बता दें, जबलपुर जिले में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट अब बढ़ गया है, बेहतर इलाज और बचाव से रिकवरी रेट अच्छा होता जा रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। जबलपुर से राष्ट्रवाद के लिए विनोद पांडे की रिपोर्ट।